उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, मुझे गिरेबान से मारा, मुझे मार पीट के मुझे गली में निकाल दिया। कहता ला तेरे प्यो कंजर की कमाई है, चल निकले तो गश्ती है ये वो। हाँ मुझे कहता था तुम्हारा लड़कों के साथ अफेयर है, ये है वो है, तुम भी इस तरह हो, तुम्हारी बेटियाँ भी इस तरह हैं। हमें गंदा करके ना हम पे ही इल्जाम लगा के उल्ट और मुझे तलाक दे के चला गया। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर, आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन आज मैं आपके सामने जो स्टोरी लेके आया हूं, ये स्टोरी थोड़ी सी मोटिवेशनल भी है और थोड़ी सी इमोशनल भी है। मोटिवेशनल इस तरह से है कि मेरे साथ जो इस वक्त खातून बैठी हैं, इन्होंने अकेली ने अपने चार बच्चों को पाल के उनको पढ़ाया भी है, उनकी शादियों तक उनकी उम्र हो गई है, और इमोशनल इस तरह से है कि इन्होंने किस तरह से स्ट्रगल की ज़िंदगी में, किस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ा, किन किन तकलीफ़ों से गुजर के यहाँ तक पहुँची हैं, ये सारी स्टोरी हम इनसे सुनेंगे। शादी आपकी कब हुई थी, कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 22 साल हो गए। 22 साल हो गया आपकी शादी को जी। तो क्या हुआ कि मतलब जिस शख्स से आपसे शादी हुई थी वो काम शाम नहीं करता था, क्या मसला था? बस ना जब मेरे घर वाले रिश्ता लेके आए थे ना, थोड़े दिन तक, दो तीन मंथ पहले ही उसने जॉब ढूंढी है, जॉब पे लग गए हैं वो। ठीक है। तो कभी उनको पता चला ये जॉब करता है, ठीक है, तो घर वालों ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली, ना गली से, ना मोहल्ले से, ना कहीं से भी। उन्होंने कहा चलो, मेरे घर वाले भी रेंट पे रहते थे, उनका घर अपना था, उन्होंने कहा चलो इनका घर अपना कोई बात नहीं है। इस सिलसिले में जो माँ बाप देखते हैं वो देखते हैं, शादी कर दी। अच्छा, तो जब आपकी शादी हुई फिर उसके बाद? 22 साल हो गए मेरी शादी को, तो बंदा मेरा ना इसी तरह ही हस्बैंड मेरे नशा वगैरह करते थे। अच्छा जी। तो मुझे पता नहीं था, तो एक दिन ना मैं इसी तरह ना घर में डस्टिंग वगैरह कर रही थी, तो मैंने मैट्रेस उठाया, नीचे से ना काफ़ी ज़्यादा ना चर्च पड़ी हुई थी, मुझे नहीं पता था ना, मैंने कभी देखी थी। मैंने वो चर्च उठाई है और मैं अपने ससुर के पास चली गई, मैंने कहा बुझे ये देखें ये क्या है। उन्होंने जब ये देखी है ना, उसने कहा ये कहाँ से तुमने ली है? मैंने कहा ये मुझे ना मैट्रेस के नीचे से मिली है, उसने पकड़ के ना छुपा लिया है। तो कहते किसी से बात ना करना। मैंने कहा ये है क्या है? कहते कुछ नहीं है, बस वैसे वैसे ऐसे वैसे करके उन्होंने मुझे टाल दिया। मैं अपने घर में कमरे में आ गई हूँ अपने रूम में, तो रात को जब वो आए हैं तो उन्होंने मुझे कहा यहाँ पे ना मैंने अपनी कोई चीज़ रखी थी, तो तुमने किधर की है? मैंने कहा वो मैंने तुम्हारे पापा को दे दी है। उसने ना मुझे मारना शुरू कर दिया, उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा, पेप्सी की बोतल पकड़ के ना उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा उसने मारा कि तुमने वो मेरे पापा को क्यों दी है, वो तो मेरी फलां दवाई थी फलां दवाई थी। उसने मुझे तब भी चरस का नहीं मुझे बताया था। बस इसी तरह ही ना करते करते ना इन्होंने ना मेरा जेवर था मेरे ससुर ने वो भी मुझसे छीन लिया, फिर इन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया कि भाई इसको पता चल गया कभी तुम अपनी ज़ुबान बंद रखना, मेरे बेटे के ना पर्दे फाश ना करना, जो भी होना था वो तो हो गुजरा। मैं भी प्रेग्नेंट थी, मैंने भी सोचा चलो मैं अब प्रेग्नेंट हूँ, चुप्पी बेहतर है। इसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने फिर मुझे बेटा दे दिया। जब मुझे बेटा दिया तो मैंने फिर भी इसको बैठ बैठ के समझाया, मैंने कहा अब अल्लाह ताला ने मेरी बात सुनी, आप स्टॉप करें जरा। जब आपको पता चला कि मेरा हस्बैंड जो है नशा करता है, या वो दो महीने के बाद पता चल गया था, तो आपने अपने घर वालों को नहीं बताया कि मेरी शादी आपने कहाँ पे कर दी है, ये बंदा नशा करता है, किस तरह का? नहीं मैंने नहीं बताया था। अच्छा, मुझे इन्होंने बताया नहीं था ना कि वो चर्च है या नशा है। मुझे अच्छा, दो माह तक आपको पता ही नहीं था कि नशा करता है? मुझे पता है, मुझे पता साल बाद चला जाके सही हो गया। एक पूरा साल जबकि हमने इस तरह की चीज़ें देखी नहीं, मुझे पता ही नहीं है। चले तो बेटा हो गया आपका? बेटा अल्लाह ताला ने फिर मुझे बेटा दे दिया, तो मैंने कहा चलो अल्लाह ताला शायद हो सकता है सुन ले मेरी। मैंने उसे समझाया, मैंने कहा देखो अल्लाह ताला ने हमें बेटा दिया, तो आप इसको दे के काम कर लो कोई। लेकिन फिर भी उसने ना काम करने की बजाय वो लोगों को घर लेके आता था और घर में बैठ के वो चर्स वगैरह जो भी पता नहीं अब क्या क्या नशे करते थे मुझे नहीं पता, एक रूम में होते थे और काफ़ी ज़्यादा स्मेल बाहर धुएं की आती होती थी। तो मैं बाहर सीढ़ियों पर बैठी होना, जब उन्होंने जाना चार घंटे बाद जाए या पाँच घंटे बाद जाए, मैं तब वो सीढ़ियों पर बच्चे को लेके बैठी रहना, तो उन्होंने जाना तो फिर मैंने अपने रूम में जाना था ना। इसी तरह ही करते करते अल्लाह ताला ने फिर मुझे बेटा दे दिया। मैंने फिर समझाने की कोशिश की, घर में कभी अम्मी मुझे थोड़े से पैसे दे देती, कभी भाई आता था, जारी बात है मैंने कभी उन्हें बताया भी नहीं था कि मेरे साथ होता क्या है। वो जैसे माँ बाप बहन भाई मिलने के लिए आते हैं कुछ दे जाते थे, उनमें से मैंने थोड़ा थोड़ा बचत अपनी कर करके ना अपने घर को चलाना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने फिर मुझे बेटी भी दे दी। जब बेटी दी है तो मैंने सोचा कि अब तो माशाल्लाह तीन बच्चे हो गए, मैं इनका दूध भी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैंने अपने आप में सोचा कि इस तरह कब तक निज़ाम चलेगा, अब गैरत तो गुवारा नहीं करती कि किसी के आगे हाथ करूं कि मुझे कोई दे। सही। मैंने अपनी जाके दोस्त से कहा कि मैंने कहा इस तरह ना घर में ये माहौल हो रहा है, तो ना मुझे कोई इस तरह का काम दे दो कि मैं कोई काम कर लूँ। उसने कहा तुम्हें स्टिचिंग वगैरह आती है? मैंने कहा हाँ जी मैं कपड़े सिलाई कर लेती हूँ।
कहती चलो मैं अपने सूट जो बाहर देती हूँ मैं तुम्हें भी दे दिया करूँगी, और साथ हम सहेलियों मेरी जो जो है ना दोस्तें वगैरह मैं उन्हें भी कह देती हूँ। सही है। वो स्कूल टीचर थी, उसने अपने स्टूडेंट्स वगैरह को भी जिस तरह भी उसने तावन करना था वो मुझे कपड़े लेके दे देती थी, मैं कपड़े सिलाई करके ना अपने घर का गुजारा करती रही। सही हो। वो मुझे हस्बैंड की भूल गई, वो मुझे अपने काम से लगाव हो गया कि मैंने ये करना तो मैंने खाना है। सही हो। ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने मुझे बेटी एक और बेटी से नवाजा, माशाल्लाह दो बेटे दो बेटी अल्लाह ने दे दी। घर में सास ससुर भी बड़ा जुल्म करते थे। जैसे आप बता रही हैं कि मैंने कोऑपरेट भी किया है, मुझे पता चल गया था मेरा बंदा नशा करता है, बच्चे भी आपके हो गए, फिर भी आप कोऑपरेट करती रही हैं, फिर आप घर में सिलाई करती रही हैं, मेहनत मजदूरी करके जो ना बच्चों को पालती रही हैं, तलाक लेने की फिर वजह क्या बनी? तलाक लेने की वजह ये बनी है कि जब मेरे हस्बैंड ने मेरी सुनी नहीं, मैं अपनी लाइफ को लेके तो चलती रही, जब अल्लाह ताला ने मुझे बेटियाँ दी हैं, रहमत दी है मेरे घर में, मैं उन बेटियों को लेके मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि वो बाहर के बंदों को लेके आए, बेटी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। बिल्कुल सही। मैंने इसी तरह ही देखते देखते मना करते 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 माशाल्लाह वो मैट्रिक की स्टूडेंट बन गई थी। सही है। ठीक है। फिर भी उन्होंने मेरी बात, मैं जब भी उनको काम का कहती वो मुझे उल्ट मारते थे। सही। जब भी मैंने काम का कहना उन्होंने मुझे मारना ही है। इस तरह करते 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 अपनी लाइफ में यहाँ तक बच्चों के लिए आई हूँ कि वो मैट्रिक के स्टूडेंट मेरी बच्चियाँ बन गई थी। सही हो गया। जब बाहर से लोग आते थे ना मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती थी कि अब मेरी बच्चियों पे कोई उंगली उठाए। मैंने इसी सिलसिले में ना थोड़ा जज्बाती है पर होकर गुस्सा दिखाया अपने हस्बैंड को कि मैंने अपनी लाइफ तो जो तबाह करनी थी तो मैंने कर लिया, सारी ज़िंदगी मैंने लोगों की बातें ही सुनी है, अब मेरी बेटियों को भी लोग बातें करें तो मैंने नहीं सुननी। सही है। तो इस तरह ना मेरे भाई बैठे हुए थे, फूफो का बेटा बैठा हुआ था, कहते आप इस तरह करो अपने घर से ना अपना हिस्से का ना तुम सिलसिला करो, जो भी तुम्हें मिलता है आप अपने घर का करो। वो बेचारी क्या क्या करे, बच्चों का घर चलाए और यहाँ रेंट अफोर्ड करे या जो भी है। सही है। यानी करते कराते काफ़ी झगड़े वगैरह हुए, उन्होंने फिर जो जो हिस्सा बना सबको दिया, 6 लाख रुपया इसके हाथ में आया, घर में आया तो मैंने इसको बड़े प्यार से समझाया, मैंने कहा इस तरह करते हैं हम ग्रोह पे मकान ले लेते हैं, हमारी जान छूट जाएगी किराए से, चलो मैं अगर कमाती हूँ ना तो मैं पेट तो भर लूंगी, अगर पेट भरूंगी या घर का किराया दूंगी तो मेरे से ये नहीं होता, मैं इतनी अब जवानों की शादियाँ भी करनी है। हाँ जी। तो उन्होंने ना बजाय मेरी बात को सुनते हुए उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, मुझे गिरे बांध से मारा, मुझे मार पीट के मुझे गली में निकाल दिया, कहता ला तेरे प्यो कंजर की कमाई है चल निकले तो गश्ती है ये वो, उसने पैसों को अहमियत दी और उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने दोनों बेटों को और दोनों बेटियों के साथ गली में रात गुजारी है, मैंने किसी को भी नहीं बताया, सारी रात हम बाहर गली में खड़े रहे हैं, जब सुबह उसने दरवाज़ा खोला तो फिर हम अंदर गए हैं। फिर इस तरह करते करते मैंने कहा तुम्हारा तो बस सारी उम्र इसी तरह ही ढंडीर होना रहना, मैं अपने घर वालों को बुलाती हूँ जो मेरे साथ उन्होंने करना ना उन्होंने तो कर दिया, उन्होंने अपना फ़र्ज अदा करना था वो उन्होंने कर दिया, अब मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई, अब मैं अपने बच्चों की लाइफ नहीं ख़राब करना चाहती। सही हो गया। मैंने अपने घर वालों को जब बुलाया सारे इकट्ठे होकर उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा तुम चाहते हो, कहता मैं इस रिश्ती में तलाक देना चाहता हूँ, उसने मुझे बहुत बेहुदा किस्म के ना मेरे बहन भाइयों के सामने अल्फाज बोले हैं, उन्होंने कहा वो इस आप जो खिताब इसे दे रहे हो अगर वो इस तरह की होती तो वो पहले दिन से भाग जाती, फिर जिस तरह के तुमने इसके साथ जुल्म किए हैं अब वो बच्चे मैट्रिक मैट्रिक में आ गए, अब उसे ये एहसास होना कभी मैं अब तुम्हें छोड़ के चली जाऊँ। सही। तो इस तरह का कहता नहीं, उसने मौके पर मुझे ना डिवोर्स दे दिया, पैसे लेके भाग गया। तो मैं अब इतनी मजबूर हूँ, अब मैंने बेटी की शादी करनी है, मैंने सोचा देखिए अब उनका बाप भी नहीं है, चलो वो नशे भी था जो भी था लेकिन वो उनका बाप था, हाँ मुझे कहता था तुम्हारा लड़कों के साथ अफेयर है ये है वो है, तुम भी इस तरह हो तुम्हारी बेटियाँ भी इस तरह हैं, हमें गंदा करके ना हम पे ही इल्ज़ाम लगा के उल्ट और मुझे तलाक दे के चला गया। फिर किनके साथ बोलता था जो उसके साथ आते जो जिनको वो घर लेके आता था जिनके साथ खुद टाइम स्पेंड करता था उनके साथ ही हमें इन्वॉल्व कर गया। सही है। मेरी बेटियों को और मुझे भी। ठीक है। तो अब मैंने ये स्टेप लिया कि मैं सोच रही थी मेरे घर वाले मेरे बहन भाई भी ये कह रहे थे देखो तुम आप रेंट पे रह रही हो बच्ची के ना फ़र्ज़ अदा कर लो। ठीक है। अब मेरे पास मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं बच्ची की शादी करूं, और छोटी बेटी मेरी FSC कर रही है स्टडी कर रही है, वो बच्ची ना उस बच्ची में ना लड़कों वाले जज्बात हैं, वो कहती है मामा जी आपने हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, मैं आपको ना बन के दिखाऊँगी कि मेरे बाप ने आपका सहारा नहीं ना बना तो मैं आपको सहारा दूंगी, मेरी ख्वाहिश है मैं आपको हज उमरा करवाऊँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं पढ़ूँ ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा शौक है मैं आर्मी में जाऊँ। तो
तो बस इसी तरह ही, फिर ना तो मैं बच्ची के वो स्टडी का अफोर्ड कर सकती हूँ, ना बच्ची की शादी का अफोर्ड कर सकती हूँ। बच्चों की ख्वाहिश तो है लेकिन मैं कर नहीं सकती पूरा। तो अकेली औरत हूँ, कमाने वाला भी कोई नहीं है, सहारा भी कोई नहीं है। नाज़रीन, इनकी स्टोरी आपने सुनी है, किस तरह से पहले ये जुल्म व सितम का शिकार रही हैं और किस तरह से इन्होंने फिर स्ट्रगल करके जो है ना वो बच्चों को जो है ना वो पाला है, पढ़ाया है। और अभी इनके जो बच्चे हैं वो तकरीबन जवान हो गए, बच्चे इनकी जवान है, शादी के काबिल हैं। तो इनकी मुझे कॉल आई थी तो मैंने इनको बोला कि आप जो है ना वीडियो करें, वीडियो के साथ जो है ना स्टोरी बताएं अपनी। कोई अल्लाह का नेक बंदा, को मुखैर हजरात जो है ना वो आपकी बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ जो है ना हेल्प कर देगा। तो उन्होंने मुझे मना किया कि मैं मीडिया पर नहीं आना चाहती, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो इसलिए हमने इनको जो है ना वो नकाब वगैरह करवाया ताकि किसी की इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह ना हो। तो इनका फेस जो है हम नहीं दिखा सकते हैं। आप इनका एड्रेस और इनका नंबर जो है वो स्क्रीन पे आ रहा है अभी आपके सामने। तो जो भी मुखैर हजरात इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इनकी बच्ची की शादी करनी है, इन्होंने दो बच्चियाँ दोनों की शादी करनी है। तो उसके लिए जो भी आप कर सकें इनके साथ तआवुन कीजिएगा। अगर इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ, इनकी कफालत के लिए कुछ कर सकें तो वो लाजमी इनके साथ तआवुन करें। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद कोहर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।